मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज पर है। ये ओंटा घाट से सिमरिया को सीधा जोड़ेगा। जहां हम खड़े हैं इस तरफ में राजेंद्र सेतु है, जिस पर से एक ट्रेन अभी गुजर रही है। देखिए आप, 1 लेन का यह गंगा ब्रिज, जिसके नीचे से ट्रेन और ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं। इसके ठीक पूर्व दिशा में यहां पे ये बन रहा है ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज, जो एशियाज वाइडेस्ट ब्रिज है, क्योंकि 34 मीटर सिंगल स्पैन वाला एकमात्र ऐसा यह ब्रिज है जो बिहार में ओंटा घाट से सिमरिया को जोड़ेगा। और चूंकि इसकी चौड़ाई सिंगल स्पैन में 34 मीटर है, इसलिए एशियाज वाइडेस्ट है, क्योंकि इतनी चौड़ाई सिंगल स्पैन में पूरे एशिया में कोई दूसरे ब्रिज पर नहीं है। आपको बताएं, जहां हम खड़े हैं ये 9 नंबर पिलर है और इसका अभी पियर बन रहा है ऊपर में, पियर और उसके बाद पियर कैप बनेगा। इधर से ओंटा घाट की तरफ से 1 नंबर पिलर शुरू होता है और जहां हम खड़े हैं ये 9 नंबर पिलर है और आगे इसके 10 नंबर पिलर है इस तरफ। आपको बताएं कि इससे ठीक थोड़ी दूर आगे पर 13A पिलर है, जहां पर कुछ दिन पहले क्रेन डूबा था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया भी था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मोकामा में गंगा में क्रेन डूबने की जो बात है वो नई नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं ये इस टावर का निर्माण जो है गेमन इंडिया ने कराया था, और लोग बता रहे हैं कि गेमन जब निर्माण करा रही थी तो इसी पैलोन के पास एक क्रेन उस समय में भी डूब गया था गंगा में। ठीक उसी तर्ज पर इस बार ये 6 लेन गंगा ब्रिज पर आगे जो 13A पैलोन है वहाँ पर क्रेन डूब गया जलस्तर के अचानक बढ़ने के कारण। इस तरह के तमाम चैलेंजेस के बीच जो निर्माण कंपनी है उसको इन बाधाओं को दूर करते हुए आपके लिए इस तरह के पुल का निर्माण करती है, जिस पर आप हराटे भरते हुए नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जहां हम खड़े हैं इधर से 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर पिलर तक जो है सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, वहीं 4 नंबर पर पियर कैप बनाया जा रहा है और 5 के बाद पियर और पियर कैप का काम हो रहा है इधर 10 नंबर पिलर तक। वहीं उस तरफ 15 से आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ में भी पियर कैप बन गया है, ऊपर देख रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी लग रहा है। बचा इसमें 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर पिलर, जिस पर काम होना है। 13A का जो है काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था, जहाँ इससे पहले कुछ दिन पहले क्रेन डूबा है। इसके बाद एक और पिलर को इसमें डालना है, तब जाके सारे पिलर यहाँ से लेकर के उस पार तक जितने भी पिलर होंगे सबका बेस तैयार हो जाएगा, और जब ये सारे तैयार होंगे तब उस पर सुपर स्ट्रक्चर लगेगा, तब आप इस पर से उस पर जा सकते हैं। तो काम की तीव्रता को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल बाद आप इस पुल पर जा पाएंगे। ये पिलर नंबर 1 है जहां मैं खड़ा हूं, और इसके आगे 01 पिलर है और ये इसका कास्टिंग यार्ड है। यहां आने के बाद 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको आप जानना चाहते हैं। एक जहां मैं खड़ा हूं 6 लेन गंगा ब्रिज, यानी ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज, जो इस तरफ में सिमरिया से इस तरफ में ओंटा घाट को जोड़ेगा। वहीं इसके बगल में ये वाटर लिफ्टिंग प्लांट है, जहां से गंगा के जल को लिफ्ट करके यहां से राजगीर और गया ले जाने की तैयारी हो रही है। वहीं इसके ठीक इस तरफ में यानी पश्चिम दिशा में यहाँ एक और ब्रिज बन रहा है, जो ये जो राजेंद्र सेतु है, जो सिंगल लेन का रोड कम रेल ब्रिज है, उसको रिप्लेस करके 2 लेन का रेल ब्रिज बनेगा, जिसको एपकॉन्स बना रही है। अभी हम उस पर भी चलेंगे, इसका वीडियो इसके बाद आएगा। यहाँ आने के बाद इस तीनों प्रोजेक्ट को हम जो है आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। आपको बताएं कि ये जो एयर वाटर लिफ्टिंग प्लांट है, इसका काम भी लगभग 1 साल से यहाँ चल रहा है। यहीं से वो जो है वो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ गहराई में है, वहाँ से पानी को स्टोर किया जाएगा और लिफ्ट करके यहाँ एक टैंक बनाया जा रहा है। टैंक की हाइट होगी और जहाँ से पंप करके इस वाटर को आगे भेजा जाएगा। वहीं जहाँ हम खड़े हैं ये 6 लेन गंगा ब्रिज है, जिसका 1 नंबर पिलर ये है। इस पर देखिए ऊपर पाइलॉन खड़ा हो गया है, जिस पर ये एक्स्ट्रा डोज केबल लग गया है, जिसके सहारे ये कई सुपर स्ट्रक्चर इधर में टंगा हुआ है। इस पर और 2 पाइलॉन को लगना है, 4 और लगने हैं, 4 2
होगी या ऊपर में? दो सेगमेंट का चार। अच्छा, दो सेगमेंट पर एक लगता है, यानी चार सेगमेंट लगना है दो पायलन में। तो आप इसी में काम करते हैं? जी सर। एक बात बताइए, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ सर ये मराची ताजपुर का। मराची ताजपुर बता रहे हैं। अगर ये ब्रिज बन करके तैयार होगा क्या लाभ होगा यहाँ? हम लोग यहाँ का जो डेवलपमेंट इतना कम, रोजगार बढ़ जाएगा, कमाई का जरिया बढ़ जाएगा। आपको बताएं कि एक नंबर पिलर जहाँ हम खड़े हैं इस पर सुपर स्ट्रक्चर लगने का काम लगभग फाइनल स्टेज में है, और चार और स्ट्रक्चर लगेगा, और उधर से दो नंबर पिलर से भी स्ट्रक्चर लगते हुए जब आगे बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसी तरह इधर से तीन नंबर पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर लगने की तैयारी हो रही है। पियर क्या बन गया है, एक से लेकर के दस तक का जो पिलर है वो पूरी तरह से बन करके तैयार है इस ब्रिज में। उसमें किसी में पियर किसी में पियर क्या बना, लेकिन सारे ब्रिज का बेस बन गया है। वहीं अगर आप उस तरफ जाएंगे 15 से लेकर के 18 तक के का जो भी पिलर है उस सब का पियर कैप तक का काम हो गया है। अब बचा है 11 से लेकर के 14 तक का पिलर का काम। तो 11 से 14 तक का जो पिलर का काम होना है उसमें 11 नंबर 12 नंबर का बेस बन गया है। 13 नंबर 13 ए जो है वहीं पर अभी कुछ दिन पहले वो ट्रेजडी हुआ जहाँ क्रेन डूब गई है, और 14 ए पिलर बनना है। 13 ए और 14 ए का निर्माण जब हो जाएगा तो इस ब्रिज पर जितने भी पिलर हैं उन सब का काम पूरा हो जाएगा। ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज पर हमने रिकॉर्ड किया कि कैसे सुपर स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, किसी भी पाय पर सुपर स्ट्रक्चर को लगाने के लिए कैसे कास्टिंग यार्ड से वहां तक उसे लिफ्ट किया जाता है वो आप कैमरे पर यहां देख सकते हैं। ऐसे लिफ्ट करके फिर उस सुपर स्ट्रक्चर को क्रेन के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है, फिर उसको इस पाय से फिट किया जाता है। उम्मीद है कि और 2 साल लगभग लगेंगे इस ब्रिज को पूरा तरह से तैयार होने में। जब यह बनकर के तैयार होगा उस समय तक बिहार में कई पुल परियोजना पूरे हो जाएंगे, और उम्मीद है कि उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी तब तक खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चाहे तो आप YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं आपको हम यहाँ के अलावा Instagram पर भी मिलेंगे, आप चाहे तो वहाँ भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।